यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टैली में जीएसटी ऑन सर्विस। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीएसटी गुड्स और सर्विस पे डिपेंड है। तो इससे पहले वाले क्लासेस में हमने गुड्स पे सारा सर्विस और गुड्स पे सारा टैक्स हमने सीखा था जीएसटी का। आज के इस क्लासेस में हम सर्विस पे किस तरह से टैक्स अप्लाई होता है, अगर हम लोग सपोज़ कोई सर्विस परचेज करते हैं या सर्विस को सेल करते हैं उस पे अगर हमें जीएसटी अप्लाई करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैली को। टैली को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट जो हम लोग का काम है वो है कंपनी क्रिएट करना। सपोज़ एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी नेम हम सपोज़ दे देते हैं जीएसटी ऑन सर्विस एज इट इज़। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लेते हैं सारा कुछ वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है हम लोग को, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो फर्स्ट हम लोग को वर्क करना है वो क्या करना है, फीचर्स को ऑन करना है। फीचर्स ऑन करने के लिए हम लोग F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाके यहाँ पे जीएसटी का ये दोनों ऑप्शन को हम लोग यस कर लेते हैं, और यहाँ पे एज इट इज़ जैसे पहले हम जीएसटी ऑन गुड्स पे काम करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फीचर्स सेटिंग हो गया। उसके बाद फीचर सेटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट वर्क करना है, नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा लेज़र क्रिएशन। तो लेज़र क्रिएशन के लिए हम लोग यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, यहाँ पे लेज़र्स में जाएंगे। लेज़र्स क्या क्या क्रिएट करेंगे, सपोज़ सेल्स का लेज़र बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे सर्विस पे अप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे सर्विस पे रहेगा। एक परचेज बना लेते हैं, अब हमारी कंपनी जो भी सर्विस परचेज कर रही है उस सर्विस का जो सिंडिकेटर है जिससे परचेज कर रही है सपोज़ BSNL, इसको सिंडिकेटर में रखते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको अगर चाहें तो बिल बाय बिल को यस कर सकते हैं। और बिल बाय बिल को यस करने के बाद यहाँ ये लोकल पार्टी है, अगर लोकल पार्टी है इस लोकल सिंडिकेटर है तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल ले लेते हैं और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और सपोज़ जो इलेक्ट्रिक का सर्विस हम लोग को लेना है वो CESC से लेना है तो उसे भी सिंडिकेटर ले लेते हैं और यहाँ पे सेम टू सेम इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग किस तरह का सर्विस परचेस कर रहे हैं, सपोज़ BSNL से हम लोग क्या ले रहे हैं, टेलीफोन बिल, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे। यस करते ही अब हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं, मतलब किस तरह का सर्विस परचेस कर रहे हैं, टेलीफोन बिल परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर HSN कोड अगर है तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, वरना यहाँ से आगे बढ़ जाइए स्किप करके। अब यहाँ पे ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग को करना इतना ही है, अगर लोकल पार्टी से हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे परचेज टैक्सेबल, क्योंकि ये हम लोग का लोकल है, वेस्ट बंगाल से ही हम लोग कर रहे हैं सेम स्टेट में, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल कर देंगे। और यहाँ पे जो सर्विस टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो 18 होता है, वहाँ पे 18 ले लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, यहाँ पे सर्विस रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। CSC से हम लोग कौन सा सर्विस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल कर दिया, इसको भी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया। और यहाँ पे फिर जाके यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक बिल टाइप कर लिया, और यहाँ पे ये भी लोकल से हो रहा है इसलिए यहाँ पे परचेस टैक्सेबल हो जाएगा। परचेस टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे 18% दे देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये भी सर्विस है इसलिए इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग सेल्स पे जो होगा, मतलब हम लोग जो सर्विस सेल करेंगे, हम लोग क्या सर्विस सेल कर रहे हैं, सपोज़ हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम लोग यहाँ पे कोर्स फीस सर्विस सेल कर रहे हैं, ये हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ फिर से यस करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे कोर्स फीस, ये
लोकल है इसलिए यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 18% कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा जो सर्विस हम लोग सेल करेंगे वो होगा कंप्यूटर टेक्निकल सर्विस, ये भी आपका डायरेक्ट इनकम कर देते हैं। यहाँ पे फिर से यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर टेक्निकल सर्विसेज, और यहाँ पे फिर से ये लोकल हो रहा है, लोकल हो रहा है इसलिए यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे 18%, और फिर से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का लेज़र क्रिएट होगा वो होगा इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट, इनपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स एक्सेप्ट, आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST और स्टेट टैक्स। और अगर अदर स्टेट के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं, अदर स्टेट से अगर कुछ सर्विसेज अगर हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग IGST का भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लोकल पे वर्क कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग को वो लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो हम लोग लेज़र बनाएंगे वो होगा बैंक का लेज़र, चाहे तो बैंक में हम लोग कुछ ओपनिंग बैलेंस ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से एक और लेज़र बनाएंगे GST पेएबल, इसका भी यूज़ होगा वो हम दिखाएंगे कहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे GST नहीं लेना है, यहाँ पे अदर लेना है, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। नाउ अब सारे लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पहले हम लोग सर्विस को परचेस कर लेते हैं। सर्विस को परचेस करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले टाइप करते हैं PB001, ठीक है, जिस डेट में भी आप सर्विस परचेस करें वो डेट आप मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे BSNL से आप सर्विस परचेस कर रहे हैं, क्या सर्विस परचेस कर रहे हैं आप परचेस कर रहे हैं टेलीफोन बिल। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये नेम ऑफ आइटम आ रहा है ये गुड्स के लिए, बट यहाँ पे हम लोग गुड्स के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ पे जस्ट जाकर अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेना है, या फिर कंट्रोल आई भी प्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं, ऑल्ट आई प्रेस करने से भी ये काम हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे टेलीफोन बिल परचेस कर लेते हैं, टेलीफोन बिल परचेस कर रहे हैं सपोज 5000 का। अब उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, इनपुट CGST और इनपुट SGST, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे PB002, और इसका और किससे हम लोग सर्विस परचेस कर रहे हैं, CSC से सर्विस परचेस कर रहे हैं। क्या सर्विस परचेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल कितना सपोज 2000 का, और उसके ऊपर जो है हम लोग का इनपुट CGST और इनपुट SGST अप्लाई हो जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया परचेस से रिलेटेड। अब जो सर्विस हम लोग सेल करेंगे तो सर्विस हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, हम लोग सर्विस सेल करेंगे यहाँ पे सेल्स में आ जाते हैं SB001। अब सर्विस किससे सेल कर रहे हैं, किसी पार्टी से सेल कर रहे हैं या स्टूडेंट से, अगर कोर्स फी सेल कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट ही होगा, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके वो स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे नेम इनपुट करते हैं अंडर सेंडिडेटर, और अदरवाइज अगर आपको उस सेंडिडेटर का कोई डिटेल्स आपके पास है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, फिर से कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो सर्विस सेल कर रहे हैं कोर्स फी सेल कर रहे हैं कितना का 10,000, ठीक है। और उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो सर्विस हम लोग सेल करेंगे वो होगा टेक्निकल सर्विस, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक डिफरेंट पार्टी का नेम यहाँ पे बना लेते हैं। डिफरेंट पार्टी सपोज हमारा
नुबैदुद्दीन है, सेंडिडेटर में आ जाता है, अदरवाइज सेम टू सेम जैसे कर रहे पहले वाले पार्टी का हमने किया था, सेम टू सेम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर टेक्निकल सर्विस, सपोज़ ये हम लोग 15,000 का, और इसके ऊपर क्या हो रहा है अप्लाई, इसके ऊपर फिर आउटपुट CGST और फिर आउटपुट SGST। तो ये सारा इसका सारा जो भी एंट्री हमने पास किया, इसका पहले हम लोग एक रिपोर्टिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिस्प्ले में आएंगे और डे बुक में आकर वन बाई वन करके ऑल्ट पी करके यहाँ से वाई प्रेस करेंगे और फिर ऑल्ट जेड करेंगे जूम के लिए। यहाँ पे ये आउटपुट का दिखा रहा है, परचेज का, सेल का देखना है तो यहाँ पे सेल का भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट पी यस, ऑल्ट जेड, यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारा कुछ करने के बाद जब हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं, तो बैलेंस शीट में हम लोग को यहाँ पे ये सारा डिटेल्स हम लोग को ऑल्ट एफ वन करने पे सारा डिटेल्स हम लोग को दिखा रहा है कि हम लोग का सिंडिकेटर मतलब जो परचेस का जो वैल्यू है, परचेस का वैल्यू कितना है और सेल्स का वैल्यू कितना है, मतलब हमने कितने का परचेस किया सर्विस और कितना का हमने सेल किया, ये यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को मिल जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे और भी डिटेल्स से देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, किस किस पार्टी से हमने सर्विस सेल किया और यहाँ पे किस किस पार्टी से हमने सर्विस परचेस किया वो भी हम लोग को दिख जा रहा है। अब ओवरऑल जो हमने सेल और परचेस किया तो परचेस के अगेंस्ट में हमें पेमेंट करना है और सेल्स के अगेंस्ट में हमें रिसीव करना है। तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आके पहले हम लोग कैश रिसीव या बैंक के थ्रू रिसीव कर लेते हैं। सपोज़ पहले हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं, सपोज़ पहले हमने नायाब से 11,800 रिसीव कर लिया, क्योंकि हमने जो सेल किया था नायाब नज़र को कोर्स फी वो 10,000 का था, बट उसके ऊपर जो 18% हम लोग का GST अप्लाई हुआ उसके बिहाफ में यहाँ पे हम लोग का 11,800 हो गया, ये हमने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट जो हम लोग को रिसीव करना है वो नुबैदुद्दीन से करना है, क्योंकि हमने 15,000 का किया था उसके ऊपर 18% लगा, इसके भी आप में यहाँ पे हम लोग को इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है, ये भी हमने रिसीव कर लिया। अब हम लोग को जो पार्टी से हमने परचेस किया है उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे पेमेंट पे और यहाँ पे फिर से बैंक में आ जाते हैं। बैंक के थ्रू हम लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पेमेंट हम लोग BSNL को कर लेते हैं। BSNL से हमने 5,000 का परचेस किया था बट यहाँ पे 18% GST लगा, उसके बिहाफ में यहाँ पे 5,900 हम लोग को पेमेंट करना होगा, ये हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हम लोग करेंगे CSC को। CSC से हमने 2,000 का परचेस किया था बट 18% GST के बिहाफ में हम लोग को इतना पेमेंट हम लोग को करना होगा। अब ये सारा पेमेंट करने के बाद बैक करके जब फिर से हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं तो अब पार्टी का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो हमें रिसीव करना था वो हमने रिसीव कर लिया, जो हमें पेमेंट करना था हमने पेमेंट कर दिया, बट ये जो टैक्स है ये टैक्स तो हमें गवर्नमेंट को देना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को पास करना है। वो किस लिए, सपोज़ हमने जो परचेस किया तो परचेस करते वक्त हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया और फिर सेल किया तो सेल करते वक्त हमें टैक्स मिला, तो परचेस करते वक्त जो टैक्स हमने दे दिया है उस टैक्स को हमें माइनस कर देना है। यानी सपोज़ अगर 1,000 का कुछ हमने परचेस किया और 2,000 का हमने सेल किया तो 1,000 पे हमें 18% मतलब हो गया 180 रुपीज़ हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बट सेल करने पे हमें 2,000 पे 360 मिला, तो बाकी का जो हमने पेमेंट कर दिया है उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में आकर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, F7 यानी जनरल में जाना है। जनरल में जाके हम लोग यहाँ से कैसा एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे सेल्स का वैल्यू जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो हम लोग को पहले रखना होता है, यहाँ पे 2250 देंगे, फिर से बाई में आके आउटपुट SGST 2250। अब टू में हम लोग को क्या लेना है, टू में हम लोग को इनपुट लेना है,
सपोज इनपुट का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, ऑल्ट सी प्रेस करके ये दोनों डेबिट के अमाउंट को प्लस करेंगे और ये करंट बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो 2250 प्लस 2250 माइनस 3870, एंटर। अब हम लोग को वैल्यू मालूम हो गया। फिर से यहाँ पे इनपुट SGST लेते हैं और इनपुट SGST लेकर यहाँ पे 630 जो सेम वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे। फाइनली हम लोग को यहाँ पे जो GST पेएबल है वो हमें मालूम हो जाता है, 3240 रुपये हम लोग का GST पेएबल है। उसके बाद जब ये कन्फर्म हो गया, तो कन्फर्म करने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ से पेमेंट में आएंगे। पेमेंट में आकर यहाँ से स्टार्ट पेमेंट में जाएंगे। स्टार्ट पेमेंट में जाके GST पे कर रहे हैं। ये कौन से डेट का है, मतलब कब से कब का है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सीधा हम लोग बैंक लेंगे और GST पेएबल कर देंगे। और यहाँ पे 3240 जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ से बैक करके जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, तो बैलेंस शीट में आने से हम लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि टैक्स भी हम लोग का पे हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सर्विसेज GST ऑन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं और एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। डैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।